आज परेशान है क्योंकि उनकी गुंडागर्दी के स्कोप डबल इंजन की सरकार ने बंद कर दिए, उनकी अराजकता के स्कोप बंद कर दिए गए, उनके एक एक खड़यंत्र को हरेक पक पक पर रोक करके उतनी कठोरता के साथ रोकने के सारे स्कोप बंद कर दिए गए हैं। इसलिए परेशान उनका होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जिस नीति को 1991 में सरदेव बाबूजी ने लागू किया था वह आज भी प्रदेश के अंदर लागू है। डबल इंजन की यह सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगा, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े, और प्रदेश की जनता जनार्दन का बाल बांका नहीं होने देगा। यह संकल्प हमें सरदेव बाबूजी के इस तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर लेना ही होगा और हमें इस बात को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा कि आजीवन जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए सरदेव बाबूजी का जीवन समर्पित था, और मूल्य और आदर्शों के लिए हम कार्य करें। बाबूजी की इस विरासत को उनके सुपुत्र पूर्व सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया, उनके सुपुत्र श्री संदीप सिंह और उनके अनुयायी लगातार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सभी से मेरा यही आग्रह होगा, बाबूजी का सपना था, उस सपने को भारतीय जनता पार्टी और उनकी विरासत मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगी, कार्य कर रही है। हमें तनिक भी उन मूल्यों और आदर्शों से विचलित हुए बगैर निरंतर आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए।